दिल्ली के तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश की राजधानी रांची में उलगुलान महारैली का ऐलान कर दिया है। यह रैली 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली है। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में जेएमएम के नेता कार्यकर्ता राज्य भर से जुटेंगे। इधर जेएमएम की इस उलगुलान महारैली को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रेस हो गई है। आज उनके आवास पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुमला अहमद मीर ने मुलाकात की। इस दौरान बैठक में उन्होंने 21 अप्रैल को प्रस्तावित उलगुलान रैली पर भी बातचीत की। और मीर साहब भी उस बैठक में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कल्पना सोरेन जी थी, आरजेडी के मंत्री भोक्ता जी थे, माले से विनोद सिंह जी थे, और वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस महारैली को सफल बनाने का रणनीति बनाया गया और उस रणनीति के तहत हम लोग फिर आगे काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता भी इस महारैली में शिरकत करेंगे। इससे पहले दिल्ली में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में महारैली का आयोजन हुआ था, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। कल्पना सोरेन ने उलगुलान महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। किन किन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को न्योता देना है, प्रदेश स्तर के कौन कौन नेता आमंत्रित होंगे, कैसे पूरे आयोजन को एक सफल आयोजन बनाना है, इन तमाम मुद्दों पर कल्पना सोरेन ने कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के नेताओं के साथ चर्चा की है। सबों से संपर्क किया गया है, राहुल गांधी जी से भी बात हुई है, खड़गे साहब से बात हुई है, तेजस्वी जी से बात हुई है, लालू प्रसाद यादव जी से बात हुई है, दीपांकर भट्टाचार्य जी से बात हुई है। तो इस तरह से कई एक लोग हैं जो दल के प्रमुख हैं, उन सबों तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं और जिनसे बात हो जा रही है वो हमारे आग्रह को स्वीकार भी कर रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ आग्रह को ही नहीं स्वीकार किया है, उन्होंने स्वयं इच्छा भी जताई है कि हम लोग इस महारैली में जरूर भाग लेंगे और वहाँ से उलगुलान का शंखनाद भी करेंगे। देखिए, सबों को इसकी सूचना दे दी गई है और इंडिया गठबंधन के वो तमाम दल और उनके तमाम नेता इस महारैली में भाग लेंगे और उन लोगों से संपर्क भी साधा जा रहा है, उन लोगों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है, और सबों ने ये कहा है कि हम लोग निश्चित रूप से इस उलगुलान महारैली में भाग लेने के लिए हम लोग आएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।